सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल एडवेंचर आइलैंड पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अपनी पेन ड्राइव को विंडो से बूट कैसे करें। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखो, मैंने आप सबको पिछली वीडियो में बताया होगा कि भाई विंडोज़ डाउनलोड कैसे करते हैं, ठीक है। जिसने वो वीडियो देखी है तो आप वहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है, मैं उस वीडियो का जो लिंक होगा ना इस वीडियो के नीचे दे दूंगा कि विंडो डाउनलोड कैसे करते हैं, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद देखो हमारे पास एक ये आ जाता है, ठीक है। इससे पहले देखो हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होता है जिससे हम अपने पेन ड्राइव को बूट करते हैं। तो वो सॉफ्टवेयर कौन सा है डाउनलोड करने के लिए देखेंगे। चलेंगे अपने गूगल क्रोम पे। देखो गूगल क्रोम स्टार्ट होने के बाद आपको यहाँ पे देखो टाइप करना है, इसको बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे टाइप करोगे जी बर्नर, ठीक है, GBURNER और एंटर। जी बर्नर टाइप करने के बाद देखो आपके पास यहाँ पे फर्स्ट में क्या शो कर रहा है, जी बर्नर ए पावरफुल CD DVD एंड बर्निंग सॉफ्टवेयर। तो आप क्या करोगे, इसके ऊपर क्लिक करोगे, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद देखो आपके पास यहाँ पर क्या है, जो नया रिलीज हुआ है ना 5 अक्टूबर 2020 को, एक तो देखो ये है और ये 5.0 जो आपको डाउनलोड करना है तो आप ये देखो यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ये कर लिया डाउनलोड, क्लिक किया। अब आपकी जो विंडो है ना, विंडो वो कौन से बिट की है, 32 बिट की है या 64 बिट की है, ठीक है, वो देखने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर जो है ना मिनिमाइज़ का ये बटन, इस पर क्लिक करोगे। जो आपका ये जो दिस PC होता है ना, इसके ऊपर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पे आओगे, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ पे आने के बाद क्या है, आपका यहाँ पर शो करता है 64 बिट लिखा है ना यहाँ पर, तो आपको 64 बिट डाउनलोड करनी पड़ेगी। अगर आप 32 बिट डालोगे ना तो वो कई बार सपोर्टेड नहीं होता, ठीक है। तो आप यहाँ पर 64 बिट डाउनलोड कर लो, ठीक है। देखो हमारी ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। अब इसको स्टार्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, शोल पे क्लिक करना, ठीक है। आपके सामने देखो ये आ गया, इसके ऊपर क्लिक करना, तो ये आपका जो सेटअप है ना खुल गया। यस कर लेंगे, एग्री करेंगे, इंस्टॉल कर देंगे, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद जो होता है ना, देखो इसके अंदर आपके पास इसके अंदर शो होगा नेक्स्ट ऑप्शन, तो नेक्स्ट पे आपको पहले क्लिक करना है। देखो आपका ये स्टार्ट हो चुका है। अब अपने गूगल क्रोम को हम क्लोज कर देते हैं, ठीक है। एंड ये इसमें देखो एक तो ये ऑर्डर आ गया, अगर आपको ऑर्डर करना है ऑनलाइन तो ऑर्डर कर सकते हो, परचेज कर सकते हो इस वर्जन को, ठीक है। अगर आपने ऑलरेडी परचेज कर रखा है तो उसका रजिस्ट्रेशन कोड होता है, वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, एंटर रजिस्ट्रेशन कोड से। और ये कोड देखो इसमें डाउनलोड जब करोगे तब आपको ये मिलेगा नहीं, ठीक है। जिसको भी ये रजिस्ट्रेशन कोड चाहिए वो मुझे व्हाट्सएप कर सकता है, ठीक है। मैं अपना जो व्हाट्सएप नंबर होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा नीचे की तरफ, ठीक है। तो अभी कंटिन्यू अनरजिस्टर पे क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। अब बूटेबल करने के लिए देखो आपके पास ISO फाइल होनी चाहिए। ये डाउनलोड कैसे करेंगे, इसके लिए मैंने पिछली वीडियो बनाई थी, उसके अंदर आप ये देख सकते हो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसके ऊपर क्लिक करोगे टूल्स के ऊपर, तो देखो आपके पास यहाँ पे राइट USB आ गया। तो सबसे पहले आपको अपनी पेन ड्राइव जो है ना वो इंसर्ट करनी है लैपटॉप के अंदर। ये इंसर्ट करने के बाद देखो यहाँ पर आपकी जो पेन ड्राइव है, थोड़ा ये ऐसी प्रॉब्लम हो गया इसमें, ठीक है, दोबारा लगा कर देखते हैं। देखो ये आप वो हो रहा है, आपकी जो USB ड्राइव है ना ये आपकी शो हो चुकी है यहाँ पे, ठीक है। ये शो होने के बाद बूटेबल कैसे बनाएंगे चलिए देखते हैं। राइट USB पे क्लिक करोगे, राइट USB पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये शो करेगा, ठीक है। ब्राउज पे क्लिक करना है, ब्राउज पे क्लिक करने के बाद डेस्कटॉप पे आना है, ठीक है। और ये देखो जो आपका शो कर रहा है ये यहाँ पर आ गया, क्लिक करके ओपन पे क्लिक कर लोगे, ठीक है। ओपन पे क्लिक करने के बाद जो आपकी पेन ड्राइव होगी ना वो आपको फॉर्मेट करनी पड़ेगी सबसे पहले। तो फॉर्मेट करने के लिए आप क्या करोगे, जो क्लीन USB ड्राइव लिखा ना यहाँ पर, इसके ऊपर क्लिक करोगे और क्लीन USB ड्राइव पे क्लिक करोगे, ओके पे क्लिक कर दोगे। तो देखो आपका ये जो ड्राइव है ना क्लीन होने लगा यहाँ से, थोड़ा वेट कर लेते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ आगे क्लीन USB ड्राइव कंप्लीट सक्सेसफुली, ठीक है, ओके पे क्लिक करोगे। ओके पे क्लिक करने के बाद जो है ना क्लोज कर दोगे इसको, ठीक है।
यहाँ पर आपने ये सेलेक्ट कर लिया था, दोबारा ले लेते हैं, ब्राउज पे क्लिक करेंगे, देखो आपका डेस्कटॉप है ना, ये शो कर रहा है गेट इनटू पीसी वाला, क्लिक करके आपने यहाँ पे ओपन कर लिया इसको, नीचे करके ओके पे क्लिक करोगे और ये ओके पे क्लिक कर देंगे हम, और ये वेट कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब जो पेन ड्राइव है वो राइट होने लगी है, देखो नीचे की तरफ ही आपका स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। ये थोड़ा टाइम लगता है यहाँ पर, क्योंकि देखो जो आपका जो विंडो होता है ना वो काफ़ी बड़ा होता है, जैसे कि देखो 3.25 GB का ये, तो थोड़ा टाइम लग सकता है यहाँ पे। चलो वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। चलो थोड़ा इस वीडियो को स्किप करके कर देते हैं, ठीक है। तो भाई देखो ये आपका ना 100% कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ये एक बार कंप्लीट होने देंगे, ये देखो आपका राइटिंग यूएसबी ड्राइव कंप्लीट सक्सेसफुली, तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है, जो है बूटेबल बन चुकी है आपकी पेन ड्राइव। ओके के ऊपर क्लिक करेंगे और 1 सेकंड वेट कर लेते हैं, ठीक है। ये सक्सेसफुली हो चुका है, अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको एग्ज़िट कर लेंगे, ठीक है, एंड इसको क्लोज कर लेंगे, फिर रिफ्रेश कर लेंगे, ठीक है। चलिए पेन ड्राइव देखते हैं अपनी बूटेबल हुई है कि नहीं, तो डबल क्लिक इस पर क्लिक करेंगे, तो देखो आपका जो क्या है ये बूटेबल हो चुका है, इसके अंदर आपकी विंडो आ चुकी है, ठीक है। बैक करेंगे, एक बार अपनी पेन ड्राइव को निकाल के निकालेंगे, ठीक है। ये आपकी पेन ड्राइव लग चुकी है, और ये देखो आपकी जो विंडो का सेटअप था वो इसके अंदर पूरा का पूरा आ चुका है, ठीक है। विंडो को इंस्टॉल कैसे करते हैं वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।